नमस्कार। आज मैं कंपाइलर डिजाइन के कंटिन्यूशन में लेक्सिकल एनालिसिस का जो सेकंड पार्ट है वो बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा का यूज लेक्सिकल एनालाइजर में किस तरह से होता है। मेनली हमने पिछले जो लेक्सिकल एनालिसिस जिसमें हमने देखा कि रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से टोकन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, कि किस तरह से टोकन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमको टोकन मिल गया तो उस टोकन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये सही है या गलत है। तो फॉर्मल बेसिस फॉर द लेक्सिकल एनालिसिस इज अ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है। तो इसका मतलब है लेक्सिकल एनालिसिस में जो हम फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं तो वही है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट रेगुलर सेट्स, और रेगुलर सेट्स को रिकॉग्नाइज करने का काम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा का होता है। तो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा जो होता है का जो बेसिक डेफिनेशन होता है कि ये फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट होता है, यानी इसमें जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं वो फाइनाइट होता है और हर एक स्टेट्स के बीच में एक ट्रांजिशन होना जरूरी है। इनिशियल स्टेट इसमें होता है जिससे शुरू होता है, और सेट ऑफ फाइनल स्टेट हो सकता है, यानी हमेशा एक स्टार्ट स्टेट होता है और मल्टीपल नंबर ऑफ फाइनल फाइनल स्टेट यानी एंड स्टेट हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टिंग स्टेट्स। फाइनाइट ऑटोमेटा का जो मेन डेफिनेशन है ये इस तरह से है कि ए रिकॉग्नाइजर ऑफ अ लैंग्वेज इज ए प्रोग्राम दैट टेक्स ए स्ट्रिंग एक्स एंड आंसर यस इफ एक्स इज अ सेंटेंस ऑफ दैट लैंग्वेज एंड नो अदरवाइज। इसका मतलब है अगर हम कोई एक्स लेते हैं यानी और उस एक्स एक्स को हम प्रूफ करते हैं यानी बताते हैं कि जो एक्स है वो उस लैंग्वेज को बिलोंग करता है कि नहीं, अगर करता है तो यस मानेंगे, नहीं करता है तो उसमें एरर शो करेंगे। सो वी कॉल द रिकॉग्नाइजर ऑफ द टोकन एज ए फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसका मतलब है ये जो एक्स है जिसको हमको रिकॉग्नाइज करना है और ये बताना है कि ये लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है, इसी को ही हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा बोलते हैं। तो यानी फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू ही ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके का फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। पहला होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और सेकेंड वन होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। दिस मीन्स दैट वी मे यूज ए डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा एज ए लेक्सिकल एनालाइजर। इसका मतलब है लेक्सिकल एनालाइजर में इन दोनों में से किसी को भी हम टोकन को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो बोथ द डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज रेगुलर सेट्स जो मैंने अभी बताया। सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा देयर आर का डेफिनेशन हम इस तरह से बोल सकते हैं कि देयर मे बी मल्टीपल पॉसिबल ट्रांजिशन और सम ट्रांजिशन दैट डू नॉट रिक्वायर एन इनपुट। इसका मतलब है हम कुछ ट्रांजिशन को यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए ट्रांजिशन में हम कोई वैल्यू के थ्रू ट्रांजिशन नहीं भी कर सकते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो इसका मतलब है हम इप्सिलॉन ट्रांजिशन भी कर सकते हैं जिसमें कि किसी भी इनपुट के रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में ये चीज़ उल्टा होता है। इसका मतलब है हम कोई भी एम्प्टी ट्रांजिशन नहीं कर सकते, इसमें कंपलसरी होता है कि हमको एक इनपुट के साथ ट्रांजिशन करना जरूरी होता है। द ट्रांजिशन फ्रॉम ईच स्टेट इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय द करंट इनपुट कैरेक्टर फॉर ईच स्टेट एटमोस्ट वन एज लेबल्ड ए लिविंग स्टेट। इसका मतलब है कि नो इप्सिलॉन ट्रांजिशन इज देयर। तो इसका मतलब है कि हमको कम से कम एक कैरेक्टर एक एज जरूरी है जिसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। सो FSA प्रोसेस हम या तो ये अब क्वेश्चन ये आता है कि FSA दो तरीके का होता है तो कौन सा अच्छा होता है। तो डिटर्मिनिस्टिक की बात करते हैं तो फास्टर रिकॉग्नाइजर होता है, बट इट मे टेक मोर स्पेस, यानी इसमें हमको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्लोअर होता है, बट इट मे टेक लेस स्पेस, ये स्लोअर होता है यानी हमको क्योंकि इप्सिलॉन ट्रांजिशन बहुत सारे होते हैं तो जिसके कारण से ये लेस स्पेस के थ्रू होता है और स्लोअर हो जाता है। तो डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा आर वाइडली यूज लेक्सिकल एनालिसिस। तो इसका मतलब है कि हम डिटर्मिनिस्टिक इन दोनों में से डिटर्मिनिस्टिक का यूज मेनली हम लेक्सिकल एनालाइजर को डिजाइन करने के लिए करते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट हम अगर हम FSA का यूज़ करते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए तो हम पहले क्या करते हैं, वी डिफाइन रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर टोकन। इसका मतलब सबसे पहला होता है कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं टोकन को डिफाइन करने के लिए। टोकन अगर हमको मिल जाता है तो देन वी कन्वर्ट देम इनटू ए DFA टू ए गेट ए लेक्सिकल एनालिसिस फॉर आवर टोकन। सो इसका मतलब सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, टोकन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस टोकन का यूज़ करते हैं हम DFA
मैं आइदर डिटर्मिनिस्टिक यूज़ करती है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक, तो मैं मेनली बाय डिफॉल्ट डिटर्मिनिस्टिक यूज़ होता है। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके के रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं, दो सॉरी दो एल्गोरिथम्स होते हैं। एक होता है कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन से एन एफ ए के बाद हम डी एफ ए बना देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं टू स्टेप अप्रोचेज, जिसमें हम पहले फर्स्ट एन एफ ए बनाते हैं, फिर एन एफ ए के थ्रू हम डी एफ ए कन्वर्ट कर देते हैं। और दूसरा एक तरीका होता है जिसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन से सीधा सीधा डी एफ ए बोलते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट ए रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसको हम लोग वन स्टेप मेथड बोलते हैं, यानी सीधा सीधा हमको मिल जाता है। सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, अब हम बात करते हैं क्या होता है। सो ए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज ए मैथमेटिकल मॉडल दैट कंसिस्ट ऑफ ए सेटअप स्टेट, पहला तो होता है सेट ऑफ स्टेट्स होने चाहिए, दूसरा सिंबल्स, हम समेशन की बात करते हैं, सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स जिसको हम लोग अल्फाबेट मान सकते हैं, इनपुट सिंबल्स होते हैं, मूव ए ट्रांजिशन, यानी मूव मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन फंक्शन, मूव टू मैप स्टेट सिंबल पेयर टू सेट ऑफ स्टेट्स, फिर एस जीरो एक स्टार्ट सिंबल होना चाहिए, एफ ए सेट ऑफ एक्सेप्टिंग यानी फाइनल स्टेट, यानी स्टार्ट स्टेट हमेशा सिंगल होगा और फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हो सकता है। इप्सिलॉन ट्रांजिशन आर अलाउड इन एनएफए, एनएफए में इप्सिलॉन ट्रांजिशन अलाउ, यानी बिना किसी कैरेक्टर्स के आप ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर वन विदाउट कंज्यूमिंग एनी सिंबल्स, एनएफए एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग इफ एंड ओनली इफ देयर इज ए पाथ फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेट टू वन ऑफ द एक्सेप्टिंग स्टेट सच एज सच दैट एज लेबल अलॉन्ग दिस पाथ स्पेल आउट एस। तो सिंपल सी बात है कि हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं, एनएफए का एग्जांपल हम देख सकते हैं, इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ है जिसमें स्टार्ट सिंबल जीरो है, उससे हम मूव करते हुए टू तक। तो ये लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय दिस एनएफए, अगर हम बात करेंगे ये जो ट्रांजिशन डायग्राम दिया गया है, इससे अगर हम कोई लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं इसका ट्रांजिशन टेबल किस तरह से बनता है कि जीरो से ए के लिए क्या क्या मूवमेंट है, यानी हमको नेक्स्ट स्टेट क्या क्या मिलता है। सिमिलरली हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ बेस्ट एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि वी कैन यूज इप्सिलॉन ट्रांजिशन ऑल्सो फ्रॉम 0 to 1, 0 to 2 एंड 0 to 3, देयर इज नो कंज्यूम ऑफ एनी कैरेक्टर्स, डायरेक्टली ट्रांजिशन इज देयर, एंड नाउ फ्रॉम 1 to फर्दर देयर इज ए कंज्यूमेबल। तो इसका मतलब है कि इस पूरे डायग्राम में अगर जो रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रिकॉग्नाइजर जो हम बात कर रहे हैं, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर हम एन एफ ए के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ट्रांजिशन डायग्राम दिया गया जिसमें 4 और 5 जो होता है वो फाइनल स्टेट है और 0 जो होता है स्टार्ट स्टेट है। तो यहाँ पर इसका जो होता है ट्रांजिशन टेबल दिया हो गया है कि किस तरह से हम मूव करते हैं और उसके लिए हमको नेक्स्ट स्टेट क्या क्या मिलता है। अब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है ये देखते हैं कि ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एनएफए, यानी एनएफए को ही हम डीएफए में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन एक उसमें प्रोविजन करना पड़ता है कि हम जितने भी इप्सिलॉन ट्रांजिशन है उसको हटाना पड़ता है, जैसे कि नो स्टेट हैज़ इप्सिलॉन ट्रांजिशन, पहला तो ये कंडीशन होना चाहिए, एंड फॉर ईच सिंबल ए एंड स्टेट ए देयर इज एट मोस्ट वन लेबल एज, यानी एट मोस्ट यानी मैक्सिमम एक कैरेक्टर होना ही चाहिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम लोग मूव करते हैं, तो एक कैरेक्टर का ट्रांजिशन दिखना चाहिए। दैट इज ट्रांजिशन फंक्शन इज फ्रॉम पेयर ऑफ स्टेट सिंबल्स टू स्टेट्स। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं कि इस पूरे डायग्राम में, ट्रांजिशन डायग्राम में हम देखते हैं कि एक स्टार्ट सिंबल जीरो है और एक फाइनल स्टेट होता है टू, बट जितने भी ट्रांजिशन हुए हैं, चाहे सेल्फ ट्रांजिशन या दूसरे में ट्रांजिशन हो, तो कहीं भी हमको एप्सिलॉन नहीं देता, इसका मतलब एटलीस्ट एटमोस्ट एक कैरेक्टर के थ्रू वो मूव करता है। जैसे डीएफए में हम एग्जांपल देखते हैं कि सेम एग्जांपल जो हमने एनएफए के थ्रू बनाया था, अब डीएफए में अगर हम बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो एनएफए में था उसमें 2 फाइनल स्टेट था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 फाइनल स्टेट हो गया और 1 स्टार्टिंग स्टेट हो गया। सिमिलरली हम इसी डायग्राम को इस सेकेंड एग्जाम्पल यानी सेकेंड ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं कि ये इस तरह से हमारा मूव होता है, तो जिसमें 2 ट्रांजिशन 2 फाइनल स्टेट हमको दिखता है। तो इसका मतलब है दोनों डायग्राम में आप कहीं भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन आपको नहीं दिखेगा। थैंक यू, अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।